सो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त दलेर सिंह, और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मैं हाजिर हूं। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी कि एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जो वो टाइम बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब कि जहाँ पर उसको 30 से 35 मिनट के अंदर काम कर देना चाहिए। मतलब कि मेरे थोड़े से कपड़े होते हैं, ठीक है, उसको जैसे मैं वॉश करती हूँ, कंगालती हूँ या सुखाने के लिए मैं मशीन में डालते हैं, तो वो 30-35 मिनट की जगह 1.5-1.5 घंटे पे चली जाती है। मतलब कि कोई 1.5 घंटा ले रही है, कई मशीनें ऐसी हैं आपने अगर 2-4 कपड़े फालतू डाल दिए वो 2 घंटे पे भी चली जाती है। तो उसी का मैं सोल्यूशन आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डेमो भी दी जाती है, जैसे कि आप लोगों को कोई नया प्रोडक्ट खरीदना है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ फुली डिटेल के साथ, हर एक प्रोडक्ट को मैं बताता हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ और खास रहती है कि उस प्रोडक्ट को मैं पहले ही आपको अगर बताऊँगा तो उसको आप खरीदना चाहते हैं तो आपकी बहुत सारी यहाँ पर हेल्प हो जाती है। सो रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। सो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं वॉशिंग मशीन में जिसकी वजह से उनकी जो मशीन की टाइमिंग है वो बढ़ जाती है। सो आइए देखते हैं। सो दोस्तों, एग्जाम्पल तौर पर मैंने ही एक फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो IFB की है उसको मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, IFB की है, सैमसंग की है या किसी और ब्रांड की है, तो बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग वॉशिंग मशीन रहती हैं फुली ऑटोमेटिक में। उनकी जो वॉशिंग मशीन में जो प्रोग्राम वो लगा लेते हैं, कई बार होता है कि वो लगाते हैं एक्सप्रेस 30 होता है, क्विक वॉश होता है, बहुत सारे ऐसे कंपनी अलग अलग प्रोग्राम देती है जिसमें कि वो टाइमिंग कम लेती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है। कई बार आपको कपड़े वॉश करने होते हैं तो इसमें दिक्कत क्या रहती है, सबसे पहले क्या होता है कि ये वाली वॉशिंग मशीन जो है अंदर वाले टब को क्लीन करने की बजाय उल्टा टाइमिंग को बढ़ा देती है। होता क्या है, इसमें 2 या 3 कारण रहते हैं मेन मेजरली, वो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं इसके रिगार्डिंग पे। सो दोस्तों, सबसे मेजर कारण पहले वाला अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लेवल की भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपकी वो जो वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है जो आपके फ्लोर पे है उसका जो लेवल है क्या वो प्रॉपर वे से सही है या नहीं है, क्योंकि जो वॉशिंग मशीन का टब रहता है वो टब अगर लेवल पे है तो प्रॉपर वे से काम करेगा, अगर मशीन को लगता है कि आपकी मशीन लेवल पे नहीं है तो वो प्रॉपर वे से घूम नहीं पाता जिसकी वजह से मशीन में टाइमिंग बढ़ जाती है। सो आप इस चीज़ को चेक कीजिए कि आपकी जो मशीन का लेवल है वो बिल्कुल सही है। आपके ब्रांड आप देख लीजिए कौन से ब्रांड की वॉशिंग मशीन है, तो उसी के रिगार्डिंग आप इस लेवल को चेक कीजिएगा कि आपके वॉशिंग मशीन का लेवल सही होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सप्रेस 30 भी यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे नॉर्मल लगाते हैं टाइम ज़्यादा लेती है डेली में या मिक्स वाले में, तो वो यहाँ पर जब अपने प्रोग्राम को सेट कर लेते हैं एक्सप्रेस 30 पे भी वॉशिंग मशीन है जो वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लेती है। तो उसका भी एक मेजर कारण, सबसे बड़ा जो कारण हो सकता है कि जो वॉशिंग मशीन है उसमें जो पानी का लेवल है वो चेक कीजिए सबसे पहले, जो आपका पानी का लेवल ऊपर से है कहीं वो स्लो तो नहीं आ रहा। अगर वो पानी स्लो आ रहा है तो मशीन को पानी लेने में टाइम लग सकता है जिसकी वजह से आपकी टाइमिंग भी यहाँ पर बढ़ सकती है। और तीसरा एक और कारण यहाँ पर रहता है, मशीन के जो बैक साइड देखिए यहाँ पर जो इनलेट वाल्व होती है इनकी वॉशिंग मशीन की, जिसमें कि हम पाइप को कनेक्ट करते हैं पानी के लिए, तो कई बार लो लेवल से भी पानी कम आता है। और इसमें देखिए वॉशिंग मशीन के अंदर ना एक फ़िल्टर दिया होता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसको आपको निकाल के दिखा रहा हूँ एक मिनट, इसको अगर आप यहाँ से निकाल के देखेंगे तो यहाँ से पानी फ़िल्टर होके जाता है अंदर, जिसमें कि आपके वॉशिंग मशीन के अंदर कचरा वगैरह जमा ना हो या कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए जिससे कि आपकी वॉशिंग मशीन को डैमेज कर दे। तो यहाँ पर ये फ़िल्टर दिया होता है, कई बार टैंकी से ऊपर से गंद मैल इसके बीच में आ जाता है जिसकी वजह से ये फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है। और अगर फ़िल्टर ब्लॉक हो जाता है तो मशीन को एक्चुअल क्या होता है कि पानी लेने में दिक्कत होती है, पानी लेने की जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वॉशिंग मशीन 2 से 3-4 बार पानी लेती है। एक तो पहले सबसे पहले वाटर लेती है, उसके बाद धोने के बाद जब खिंगालने के लिए पानी लेती है तो उसमें पानी लेने में दिक्कत आती है।
सो आप इस चीज़ को चेक कीजिए, अगर ये वाला फ़िल्टर आपका जाम हो गया है या ब्लॉक हो गया है तो इसको निकाल के आप आराम से क्लीन कीजिएगा। जो आपके मशीन की टाइमिंग है, जो उसमें जो ज़्यादा टाइम ले रही थी, उसमें 100% कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखिए कि जो टैंकी से आने वाला पानी है उसमें गंद मैल कचरा होता है जो यहाँ पे फंस जाता है। सो इसको निकाल के आप टाइम टू टाइम क्लीन करते रहेंगे तो आपकी जो वॉशिंग मशीन है प्रॉपर वे से टाइमिंग रखेगी जो नॉर्मली रहती थी पहले नई वॉशिंग मशीन पे। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो इतनी ही बात है आज के इस वीडियो में जो आपके लिए मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए, डेमो वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी जा सके, वो भी चीज़ का फ़ायदा उठा सके। जो जो प्रॉब्लम्स उनको आती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट को ख़रीदने को लेके है या उनके प्रोडक्ट जो है एज प्रेजेंट उनके घर पे है, चाहे उसको लेके है, चाहे वो आपका एसी है, मशीन है, फ्रिज है, कुछ भी है, तो अगर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ की इंक्वायरी है आपके पास मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसका आपको 100% सोल्यूशन बताऊँगा, और साथ के साथ कोशिश करेंगे कि वो आपका घर पर ही ठीक हो जाए। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक गुड बाय।